एक छोटा सा हिस्सा है। सेम गोज फॉर द टीम ऑफ सेल्सियस एज वेल। सेल्सियस के ऊपर भी वही प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। गॉब्लिन का ग्रेनेड टॉस आउट किया जाता है, क्या ऐसे कनेक्शन बनेगा वो बड़ा सवाल है। एक ड्रॉप भी मिल चुका है, मतलब आर्मर एंड हेलमेट का भी रिफ्रेशमेंट देखने का मौका मिलेगा। पियू पियू ही हैज टू फॉल बैक एंड ग्रेनेड टॉस आउट किया जा रहा है। ग्रेनेड एक्सचेंज, पियू पियू, व्हाट अ वंडरफुल ग्रेनेड, दो नॉकआउट निकाल के जाते हैं। पोलो के भी एचपी बहुत सो, एक और ग्रेनेड, एक और नॉकआउट, तीन नॉकआउट्स पियू पियू के ग्रेनेड से हमें देखने का मौका मिला है। ड्रीम्स बीइंग द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग, क्या वो अपने टीम के ख्वाबों को जिंदा रख पाएंगे, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, क्या वो आगे बढ़ पाएंगे। सोल प्यू प्यू विद अ ब्यूटीफुल 1v3, 5 फिनिश पॉइंट आ चुके हैं। स्काईलाइज गेमिंग अभी भी चारों खिलाड़ियों के साथ बचे हुए, सबसे बड़ा खतरा सोल का इस मैच में इज गोइंग टू बी स्काईलाइज गेमिंग। अकेले चले गए हैं लेफ्ट साइड पे प्यू प्यू, राइट हैंड साइड का जो फ्लैंक है वो 2v3 करके दिखाना पड़ेगा क्लच यहाँ पर, अगर यहाँ पर गॉब्लिन नक्षत्र, लेकिन साथ साथ प्यू प्यू बोल रहे हैं कि अब ओके का थोड़ा सा यहाँ पर अटैक स्काइलाइज के ऊपर भी जरूर देखने दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि अभी भी सेल्सियस ड्रीम्स अभी भी अलाइव है यहाँ पर, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, धावा बोल सकते हैं सोल के ऊपर, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर जोन के अंदर भी आना पड़ेगा क्योंकि जोन के बाहर आप बिल्कुल भी हील बैटल नहीं ले सकते। आपके पास मौका है, आप टॉप 3 आ चुके हैं, तो आगे बढ़िए। यहाँ पर अभी के लिए अगर हम बात करें, कुछ मोलोटॉप का भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या यहाँ पर पीओ पीओ निकाल पाएंगे क्योंकि सामने अब खतरा बन चुका है। न्यू प्लेयर उनके जस्ट सामने, गन स्विच की गई है, नॉकआउट किया है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं दे रहे कैप्टन अभी तक। ये He just knocks and finish. Side player, new player को knock and finish किया जाता है। Soul is giving them level best. Omraj को भी finish किया जाता है। Team Soul, I think they're getting another second dinner. Celsius Dreams अकेले खिलाड़ी बचे हुए। Chance किया जा रहा है। The fourth match into their face.